डायनामाइट न्यूज के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। मैं मनोज टिबड़ेवाल हूँ और मैंने अपने करियर की शुरुआत इंडिया टुडे मैगजीन से की थी। उसके बाद मैंने द इंडियन एक्सप्रेस समूह ज्वाइन किया, इसके मैंने जनसत्ता एक्सप्रेस अखबार के लिए यूपी में काम किया और इसके बाद मेरा तीसरा पड़ाव बना दूरदर्शन न्यूज, जहाँ पर मैंने लगातार 10 साल काम किया। और इसके बाद अक्टूबर 2015 में मैंने डायनामाइट न्यूज समूह की स्थापना की और पहले चरण में अंग्रेजी का न्यूज पोर्टल मैंने लॉन्च किया था। कभी कोई समारोह नहीं किया, यह पहली बार है। अगर कोई चूक रह जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और पहली बार जो है एक आप लोग अपने जो परिवार के बड़े लोग हैं उन सभी लोगों को बुलाकर एक आशीर्वाद देने का मौका मिला है और डायनामाइट न्यूज का आज हिंदी पोर्टल का हम लोग लॉन्चिंग करेंगे। इस पोर्टल की दो सबसे बड़ी खास बातें हैं, एक कि डायनामाइट न्यूज यह यूपी केंद्रित है जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां से सारी पॉलिटिकल गतिविधियां होती हैं, सभी बड़े राजनीतिक दलों के चेहरे यूपी से आते हैं और यूपी की राजनीति देश को प्रभावित करती है। तो डायनामाइट न्यूज पर यूपी की हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारे लोकतंत्र के चार पाए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में सबसे अहम रोल अगर किसी का है चार पाए में, तो एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे ब्यूरोक्रेसी का, कार्यपालिका का। और ब्यूरोक्रेसी से संबंधित कोई भी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले डायनामाइट न्यूज पर मिलती है और कई बार अच्छा लगता है। अभी सीबीआई डायरेक्टर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ, अमूल्य पटनायक साहब का, तो 3 घंटे पहले डायनामाइट न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया था। उसके बाद कई बड़े चैनलों ने ब्रेक किया, तो बड़ी खुशी हुई। तमाम मेरे पास फोन आए, एक वेस्ट बंगाल कार्डर के सीनियर आईएएस अफसर साहब का फोन आया कि देखिए डायनामाइट न्यूज ने खबर दी है, क्या यह खबर सही है। हमने कहा डायनामाइट न्यूज ने दे दी तो यह खबर सही है और मुझे अपने स्रोत पर भरोसा था। और बाद में 2 घंटे बाद वह खबर सत्य साबित हुई। तो हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि डिजिटल मीडिया का मतलब सूचना, सूचना सबसे पहले कौन दे रहा है। लेकिन सबसे पहले में एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी सूचना गलत ना हो। अगर क्रेडिबिलिटी घटी तो फिर कोई मतलब नहीं है उस सही सूचना का, पहली जो सबसे पहले आप दे रहे हैं। तो सबसे तेज हो लेकिन सबसे विश्वसनीय हो, ये डायनामाइट न्यूज की पूरी कोशिश है। इसके पीछे हमारे नौजवान संवाददाताओं की टीम है और अभी हम बहुत छोटे स्वरूप में हैं। धीरे धीरे आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे और हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय बिंदेश्वर पाठक साहब को बुलाना चाहता हूँ, बिंदेश्वर पाठक साहब का इंटरव्यू करने का। तो केंद्रीय मंत्री साहब से मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर, जब मैंने उनको बताया कि मैं 5 मिनट लेट हुआ क्योंकि मैं एक मीटिंग में गया था डॉक्टर पाठक के पास, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पाठक तो देवता समान है। सुप्रीम कोर्ट के एक छोटे से आदेश पर, छोटा बड़ा नहीं कह सकता, आदेश आदेश होता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस तरह इन्होंने मथुरा के वृंदावन में विधवा महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लाने का काम किया है, हम जैसे नौजवानों के लिए पाठक साहब प्रेरणा स्रोत हैं। वेबसाइट तो बहुत होती है, लेकिन इस वेबसाइट की खास बात यह है कि बहुत जबरदस्त यूजर फ्रेंडली है और कि पहले टॉप 10 में था, फिर टॉप 5 में और टॉप 1 पे पहुंचा, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। मेरे लिए जैनी जो न लेते हुए अब साथियों, अब वो इंतजार की घड़ी आ गई, इस तरह डायनामाइट न्यूज के न्यू लोगो का अनावरण करेंगे। मैं हिंदी पोर्टल की लॉन्चिंग के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अनु भटनागर सर को, बटन दबाकर हमारा हिंदी पोर्टल लॉन्च करें। कोई भी व्यक्ति इसको 5 से 7 सेकंड में जो गांवों में 2G कनेक्टिविटी पर इस वेबसाइट को खोल सकता है, यह सबसे बड़ी इस वेबसाइट की USP है। विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में आखिरी नाम लूंगा, बहुत ही वेटरन शख्सियत और ह्यूमन बीइंग, कोई दुनिया में चला जाए मदद करने वाले। पाठक साहब से मेरा जुड़ाव 2006 में हुआ। एक गरीब आदमी मेरे इलाके का आया था, दिल्ली में एम्स में भर्ती था। मैंने पाठक साहब से कहा कुछ इसकी मदद कर दीजिए। पाठक साहब ने उस गरीब आदमी के पूरे इलाज का खर्चा उठाने का काम किया। मैं मामूली एक रिपोर्टर था,
अजीम शख्सियत, बहुत अगाध सम्मान है इनके लिए। बिंदेश्वर पाठक साहब को मैं आमंत्रित करूंगा अपने आशीर्वचन के लिए। माननीय श्री अरुण भट्टाचार्य जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण और सभी विशिष्ट जन दर्शक ध्यान बैठे हुए, सबों का हम हार्दिक स्वागत भी करते हैं और मनोज त्रिवाल जी को इस बात के लिए हम शुभकामना देते हैं कि जो डायनामाइट टीम ने शुरू किया है वो सफल हो। पत्रकार तो तेज होते हैं, तरार होते हैं, जैसा मनोज जी ने कहा, खबरों को सबसे पहले संग्रह करने का साहस रखते हैं। मेरी पत्नी कहती है कि साहब, ये पत्रकारों को इतने बृहद जगह पर कैसे ये लोग फोटो निकालते हैं, मिलते हैं, सरकार नहीं पहुंच पाती है तो ऐसा काम करते हैं। लेकिन मनोज जी ने जो सबसे बड़ी खूबी एक ये है कि तेज तरार तो है लेकिन अहंकार में नहीं है। पत्रकार हो और अहंकार ना हो तो थोड़ा ऐसे कम लोग होते हैं, क्योंकि अपने पत्रकारिता का उनको इस बात का भान होता है कि हम समाज के सबसे बड़े लोग हैं। तो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन से पहले ही दिन सेनेटर ने प्रश्न किया, एक सेनेटर ने प्रश्न नहीं किया, कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको पता है कि आपके पिताजी मेरे पिताजी के जूता सीते थे। अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि यस सेनेटर, मुझे पता है, मेरे पिताजी अच्छे कॉबलर थे और मैं भी अच्छा कॉबलर हूं, तो जी जूता सिलवाना आपको हो मुझे भेज दीजिएगा, मैं जूता पर सी दूंगा आपका। एक राष्ट्रपति पहले दिन ऐसे बातों को इनकाउंटर करता है एक सेनेटर से और किस प्रकार से वो जवाब देता है। तो मनोज जी में यह है कि पत्रकार तो है लेकिन इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने ही मतलब इनको तो अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो हम इनमें ये देखते हैं कि सब लोगों से इस प्रकार से मधुरता से मिलना जुलना, बातें करना, तो एक बात तो ये खूबी इनमें है। अभी हमारे इंटरव्यू लेने गए थे, मुझे पता नहीं था कि डायनामाइट न्यूज से इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मैं दूरदर्शन में जानता था इनको, तो मैंने समझा कि दूरदर्शन की तरफ से आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू जब खत्म हो गया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम शुरू किया है डायनामाइट न्यूज, उससे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। कमलेश्वर जी ने इंटरव्यू लिया था एक बार हमारा, तो कमलेश्वर जी ने कहा, वो शौचालय की चर्चा से हट करके जाति पर चले गए थे और उसके बाद प्रश्न पूछा था, तो कहा आपने बहुत अच्छा से जवाब दिया। तो मैंने कहा, कमलेश्वर जी आपने ऐसे प्रश्न ही पूछे हमसे कि अच्छे उत्तर मुझे देने ही पड़े आपको। तो इन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए हमसे, अब जो आपके पोर्टल पर आ गया होगा, आप सुने होंगे या सुनेंगे आप पीछे, ऐसे ऐसे प्रश्न किया उन्होंने, उससे स्वाभाविक था कि उसके उत्तर अच्छे हो सकते हैं। तो अभी भी खूबी है कि जब प्रश्न करते हैं इस प्रकार से करते हैं कि जो उत्तर जल आदमी है उसके भीतर की बात बाहर निकल जाए, और फिर उसमें जो सौम्यता इनमें है वो महत्वपूर्ण है। और स्मरण लेते हुए हम के पिताजी आए हुए हैं, माँ भी आई हुई हैं, मैं भी अपने पिता माँ का ऋणी हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी प्रणाम करते हैं और हम इनके सफल डायनामाइट न्यूज़ के कारण कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।